वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड आप लोगों को भी पता ही यार, गेम एक्सक्यूज मतलब ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स तो रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड ई स्पोर्ट्स से आप लोगों को अपडेटेड रखता हूँ। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है 8-bit को लेकर। तो आप लोगों ने भी यार देखा होगा, हमारे को जो 8-bit क्रिएटिव्स है उनकी तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एक बड़ी अनाउंसमेंट आज के दिन हमें उनकी देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उनके एक क्रिएटर है जिनका नाम था हेड फ्लिकर, तो कल हमारे को लाइव आते हुए दिखाई दिए थे YouTube पे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट से रिलेटेड बात की। अरे रेगुलर होंगे गाइस, क्योंकि अब हम एक जगह स्ट्रीम नहीं करने वाले हैं, समझ रहे हो? भाटिया साहब भी रेगुलर हो जाएंगे। रूटर, यस गाइस, रूटर 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 लोको नहीं, रूटर रूटर पे है, रूटर पे स्ट्रीमिंग नहीं बैक हो रही, वो सब हमने बोल दिया ऑलरेडी, तो वो हो जाएगा फिक्स, चिल मारो। एंड इसके बाद जो हेड फ्लिकर है उनका हमारे को एक रूटर अकाउंट भी देखने को मिला, एंड वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद यार मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्डी भाई है वो हमारे को थोड़े गुस्सा होते हुए दिखाई दिए थे एक्स के ऊपर, एंड वहां पे वो गुस्सा हुए थे ओमेन के ऊपर जो कि ओरैंगुटन एंड गॉड्सरिन के सोशल मीडिया मैनेजर थे। उन्होंने सबसे पहले बात करी थी ओरैंगुटन के बारे में, उन्होंने ये चीज लिखी थी कि जो ओरैंगुटन है वो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाती है, एंड इसके साथ में उन्होंने SATL का भी नाम ले दिया था। तो इस चीज के ऊपर जो सिड भाई है उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा था, एवरी डे वी कीप क्वाइट टू हंड्रेड्स ऑफ इम्बेसल्स लाइक यू ड्रैगिंग आवर नेम एंड आवर फैंस इन द मिडल ऑफ अ रैंडम शिट फॉर नो रीजन, रिमूव्ड फ्रॉम टू जॉब एंड बॉय ट्राना एंश्योर दैट उनको इंडिया में कभी काम ना मिले। तो इसके ऊपर जो ओमेन है उन्होंने रिप्लाई करा, जहां पे उन्होंने लिखा था कि उनको रिमूव नहीं करा गया था, उन्होंने दोनों खुद से छोड़ी थी। एंड इसके ऊपर जो सिड भाई उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा था, गुड जजमेंट, जब पता हो लात मार के निकालने वाले तो एक दिन पहले खुद ही रेजिग्नेशन डाल देना चाहिए, आई एम इंप्रेस्ड विद योर इंटेलिजेंस, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद जो ओमेन है उन्होंने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा था, व्हेन आई क्विट भाई ट्रस्ट मी, आई हैव इनफ ट्रस्ट इन माय वर्क। एंड इसके बाद उन्होंने कुछ मैसेजेस डाले थे जहां पे उन्होंने लिखा था, मैन आई डोंट वांट यू टू क्विट, एंड ये बेसिकली उनके जो लास्ट ऑर्ग थी उनके SS थे। एंड इसके बाद जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसका रिप्लाई करते हुए जो सिड भाई उन्होंने लिखा था कि ये तुम्हारे डैड के मैसेज हो सकते हैं जब तुमने ये बोला होगा कि मेरे को सोशल मीडिया मैनेजर बनना है स्कूल छोड़ के, तो उन्होंने इस चीज पे रिप्लाई किया होगा। एंड इसके बाद यार तुम्हारे को दोबारा से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, तो इसके ऊपर वो दोबारा रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, ब्रो आई हैव एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया KVPY, स्कॉलर हूं, एंड वो मेरे पुराने स्टाफ के जो मेंबर्स हैं उनका मैसेज था, पर्सनल मत जाओ विदाउट। एंड इसके बाद जो ओमेन है उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स वगैरह करे थे, जिससे जो गोल्डी भाई है वो उन्होंने इस चीज के ऊपर रिप्लाई करा था जो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बता दिया था, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एंड इसके बाद उन्होंने एक चीज लिखी थी, भाई पर्सनल ओपिनियन एंड आई फील द ओपिनियंस टू बी रिटार्डेड एंड यू डोंट, आई जस्ट राइट वट एवर आई फेल्ट, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसका जो गोल्डी भाई उन्होंने रिप्लाई करा था, मैंने भी दे दिया है जो तुझे चाहिए था, सोल के फैंस का ऑर्गेजम एंड अपना ओपिनियन। एंड इसके ऊपर जो गोल्डी भाई उन्होंने दोबारा लिखा था, जब जॉब चाहिए थी तो रिटार्डेड फैंस का ही मसीहा बनने को रेडी था, डेस्परेट डम्बो। एंड इसके बाद उन्होंने ये चीज, नेवर applied for social jobs in my life and have always been offered, and वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यार ये था होल मेट को अपनी टीम में लोगे अगर ऐसा आप लोगों को चांस मिलता है। एंड इसके बाद काफी लोग बोल रहे थे कि जोनाथन को मोटिवेट करो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। टीम में आएगा तो लेगा मावी, नहीं भाई यार उसका खेलने का तरीका अलग है, मतलब वो अपनी टीम में अच्छा, क्यों आएगा मेरी टीम में पहली बात तो, बाकी दूसरी बात अगर ऐसा लेना या साथ खेलना होता तो हम बहुत पहले कर सकते थे, अब क्यों? हाँ बट ऐसा प्लेयर अच्छा है, बट देखो हर बंदे की एक चॉइस होती है ना, प्लेयर चॉइस, बाकी मैं कौन सा खेला हूं उसके साथ कि मैं उस पर वो कर सकूं, बट यस मतलब मेरा एक अलग तरीका है। चलो यार किसी से बोलने से कोई मोटिवेट नहीं होता है और ना ही कोई करता है, सब मेहनत से करना पड़ता है, रिजल्ट अपने आप मोटिवेट कर देंगे, एंड उसके पास बहुत कुछ है, उसको अब और मोटिवेट कितना मोटिवेट होना है, हर आदमी की लिमिट होती है एक। इसके बाद काफी लोग जो मूवी है उनसे बोल रहे थे कि आप हमारे को स्काउट के साथ देखने को नहीं मिल रहे हो, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा है, क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। भाई आप और स्काउट क्यों नहीं देख रहे हो साथ में? भाई वो ई-स्पोर्ट्स खेलता नहीं है और स्ट्रीम का हमारा मेरे को पता नहीं है कि टाइमिंग क्या है उसका, मैं देखता नहीं हूँ ई-स्पोर्ट्स, वो खेलता नहीं है, वरना तो मैच में मिल जाए। आप कैसा मिलने की बात कर रहे हो, मेरे को वो नहीं समझा, मतलब दिख नहीं रहा वाला, वो वाला इसके बाद जो रेविडेंट स्पोर्ट्स है उनकी साइड से हमारे को ट्विटर पे एक ट्वीट देखने को मिला, जहां पे बेसिकली उनके जो सोशल मीडिया मैनेजर है उन्होंने ये चीज लिखी थी कि यार हमारे को कोई फायर नहीं करता है बेंटर करने के लिए, एंड साथ ही साथ में जो हमारे ओनर्स हैं वो बीफ नहीं करते हैं इंटरनेट पे किड्स के साथ, एंड साथ में ये भी मेंशन करा था कि हम फ्रॉडलाइन कॉल्स भी नहीं उठाते हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए गोल्डी भाई ने वहां पे रिप्लाई करा, जहां पे उन्होंने लिखा था कि मैं भी तुम्हारा कॉल नहीं उठाता हूं रोहित जगासिया, एंड आप लोगों को भी पता ही है वो ओनर है रेविडेंट स्पोर्ट्स के। एंड इसके बाद जो रोहित भाई है उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला जहां पे उनको गोल्डी भाई ने एक मिनट पहले ही कॉल किया था,
था, तो इन्होंने वहां पे लिखा था कि फिर आपने मेरे को कॉल क्यों किया था। इनका जो ट्वीट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें SATL के बारे में, तो जो SATL e-sports है उनका भी हमें ट्वीट देखने को मिला, जहां पे उन्होंने ये चीज लिखी थी कि जो रेमिनेंट e-sports है वो काफी ज्यादा बिजी हो गई थी ट्वीट्स वगैरह करने में अपने सोशल मीडिया में, एंड इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए IQ के टूर्नामेंट को लेकर। एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद जो रेमिनेंट e-sports है उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा था कि हमारे जो प्लेयर्स है उनको एक शॉर्ट वेकेशन चाहिए थी, एंड अच्छा यार कि हम गंदा के लिए हम क्वालिफाई ना हो, रेदर देन हम गंदा खेलने के बाद भी हम बॉटम पे रहकर टूर्नामेंट में फिर भी हम इनवाइट लेकर अपने चेहरे दिखाए लैन पे। एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों का इस होल बैंटर के ऊपर क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद काफी लोग उनसे ये चीज भी बोल रहे थे कि जो आपका ड्रॉप क्लैश का मैटर है मान्या के साथ वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर ड्रॉप क्लैश यार गाइस मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, अब देखो मैं जाके उसको तो नहीं, मैं सामने वाली टीम को या सामने वाली टीम के प्लेयर को तो नहीं बोल सकता कि भाई तू ऐसा मत कर ऐसा मत कर। मैंने तुम्हें ऑडियंस को मैंने बोला था कि भाई वो अपना कैंप अल्फा रख ले, हम अपना ड्रॉप रख लेते, हमें कोई शौक नहीं है कोई वो, या कोई हमारी जिद नहीं है कि हमें वो, हमें तो ऊपर का ड्रॉप चाहिए हमारा, क्योंकि वो ड्रॉप ही मेरा था, मैं खेलता ही वहीं से था हमेशा। पूरा स्टार्टिंग से सेनोक तो आपने वहीं पे उतरे हो ना, टेंपल ही लिया है नीचे कैंप अल्फा, तो अपने को यस रहता भी, क्योंकि देखा अपने पास ड्रॉप अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट अपने को जगह तो अच्छी मिलनी चाहिए ना, तो वो सैक्री हमने अगर ड्रॉप अच्छा सैक्रिफाइस किया हुआ है तो थोड़ी जगह तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। विकेंडी में तो काम तमाम ही है, इरेंगल में भी कोने का ड्रॉप है, मीरामार में भी कोने का, मीरामार में भी लौड़े लगे पड़े हैं ड्रॉप्स की तरफ से, तो मतलब अपना जितना परफॉर्मेंस किल हो रहा है वो ड्रॉप्स की वजह से हो रहा है बहुत। एंड इसके बाद जो लिक्विपीडिया उन्होंने एक लिस्ट को रिलीज किया, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो टॉप प्लेयर्स है जिनको काफी ज्यादा सर्च करा गया है लिक्विपीडिया पे, एंड इसके साथ में टॉप टीम्स जिसको सबसे ज्यादा सर्च करा गया है। तो बात करें जोनाथन की तो वो हमारे को लिस्ट में टॉप आते हुए दिखाई दिए, एंड जो स्काउट है वो हमारे को थर्ड पे देखने को मिले, एंड टॉप 10 के अंदर हमारे को गॉब्लिन भी देखने को मिले। एंड बात करें टीम्स के बारे में तो हमारे को सेकंड नंबर पे टीम सोल एंड फोर्थ नंबर पे टीम गॉडलाइक देखने को मिली। इनकी जो पूरी लिस्ट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है घातक भाई को लेके, तो हमारे को एक पेज देखने को मिला था जिसका नाम था ट्राइडेंट गेमिंग, जहाँ के बायो में लिखा हुआ था वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ई स्पोर्ट्स सॉल्यूशन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी बैक्ड बाय टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स घातक गेमिंग, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये और से रिलेटेड हमारे को क्या अपडेट देखने को मिलेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना।